से आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पास काफी कैंडिडेट के फोन आ रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैडम, रेड सील का एग्जाम हम देने के लिए जाना चाहते हैं कनाडा में, तो इसका क्या प्रोसेस है, कौन से एग्जाम दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम रेड सील के एग्जाम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ये चैनल है आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप घर बैठे सारी जानकारी कनाडा के बारे में ले सकें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम रेड सील एग्जाम के बारे में। ये जो रेड सील का एग्जाम है, जो ट्रेड वाले जो पर्सन हैं, स्किल्ड ट्रेड वाले, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। रेड सील एग्जाम के अंडर तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे ऑक्यूपेशन है जो आते हैं, जैसे कि कुक हो गए, बेकर्स हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट भी इसके अंडर ही आते हैं, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हो गए, वेल्डर्स, कारपेंटर्स भी इसके अंडर ही आते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन हो गए, कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन हो गए, मतलब इस तरह के काफी ज्यादा ऑक्यूपेशन है। जो तकरीबन 50 से ज्यादा ऑक्यूपेशन है जो रेड सील एग्जाम के अंडर आते हैं। ये जो रेड सील का एग्जाम है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो इजीली आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप अपने होम कंट्री से पहले अपना अच्छा सा सीवी बनाओगे। उस सीवी में आपने जो भी अपने ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास है वो साथ में लगाओगे, और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी अपना साथ में लगाओगे। तो ये सीवी आप जिस भी प्रोविंस में रेड सील का एग्जाम देने के लिए जाना चाहते हैं उसके रेड सील के डिपार्टमेंट को भेजोगे। हर प्रोविंस का रेड सील का एग्जाम लेने के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग है। सब प्रोविंस की फीस भी, सर जो एग्जाम है इसकी फीस भी सारे प्रोविंस की अलग अलग है। तो जिस भी प्रोविंस में आपने रेड सील का एग्जाम देने के लिए जाना है, उस प्रोविंस के जो रेड सील का डिपार्टमेंट है उसको आप अपना सीवी सेंड करोगे। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो आपके सीवी को उसी ट्रेड की जो क्वायरीज हैं, रिक्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंगली उसको मैच करके देखेंगे। अगर आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस उस ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैच करता है, उनको लगता है कि आप उनकी प्रेस में जाकर अच्छा काम करोगे, मतलब कि आपको नॉलेज है उस काम की, तो वो आपको रेड सील का एग्जाम देने के लिए अप्रूवल भेजते हैं। तो क्या है, आपको रेड सील एग्जाम की अप्रूवल मिल जाती है। तो इसकी फीस भी सभी प्रोविंस की अलग अलग होती है। ये तकरीबन $200 से लेकर $600 तक होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हो। जब आपको रेड सील एग्जाम की अप्रूवल मिल जाती है तो आप अपने होम कंट्री से विजिटर वीजा अप्लाई करोगे, जिसमें क्या है, आप लिखोगे कि मैं कनाडा में विजिटर वीजे पे जाना चाहता हूँ रेड सील का एग्जाम देने के लिए, तो आपको विजिटर वीजा मिलेगा। तो वहां जाकर आप अपना रेड सील का एग्जाम दोगे। अगर बात करते हैं रेड सील का एग्जाम कैसा होता है, तो वो भी आपको बता देती हूँ कि रेड सील का एग्जाम जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आप इजीली इसे पास कर सकते हैं। इसमें क्या है, 100 से लेके 150 मीन्स के 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होते हैं, उनके जो आंसर है साथ में दिए होते हैं, जिनको के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला जाता है, मीन्स के एक क्वेश्चन के चार आंसर होते हैं, उनमें से आपने एक टिक करना होता है। तकरीबन 150 क्वेश्चन में से आपने 70% मार्क्स लेने आपके लिए जरूरी है, 70% मीन्स के अगर आप ये टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आपको 70% से ज्यादा मार्क्स लेने होंगे। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता खुल जाएगा कनाडा में जाकर सेटल होने का। सबसे पहले तो अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो कनाडा में अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपका सैलरी पैकेज आम पर्सन से ज्यादा होगा, अच्छी सैलरी लेने के काबिल आप हो जाओगे। आप इजीली अपनी होम कंट्री से विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेड सील का एग्जाम देने के बाद आप वर्क परमिट पे जा सकते हो और वहां पर सेटल हो सकते हो, मीन्स की आपके लिए कनाडा जाने के काफी रास्ते खुल जाते हैं अगर आप रेड सील का एग्जाम पास कर लेते हो। तो जी है रेड सील का एग्जाम देने का पूरा प्रोसेस। तो ये जो वीडियो है आपने शेयर जरूर करनी है,
ताकि ये उन पर्सन तक जरूर पहुंचे जो रेड सील का एग्जाम देना चाहते हैं, उन तक ये डिटेल जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो जहां से ही अपने होम कंट्री से बैठकर ही कनाडा का रेड सील का एग्जाम अप्लाई कर सके और ये टेस्ट पास करके वो कनाडा जाकर सेटल हो सके। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।